नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। मोबाइल ने एक मासूम की जान ले ली, या यूं कहें कि अस्पताल की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली, ये दोनों बात एक ही है। जी हां, मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर जिला अस्पताल में SNCU यानी कि सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में एक नवजात शिशु वार्मर मशीन के हीटिंग पैड पर जिंदा जल गया। बता दें कि बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था। वार्मर के हीट से बच्चे के सीने से पेट तक की खाल बुरी तरह से झुलस गई है। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा है। आपको बता दें, अस्पताल के स्टाफ ने जब यह देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। फौरन डॉक्टर्स को बुलाया गया। CMS डॉक्टर दीपक सेठ और डॉक्टर SNCU वार्ड में पहुंचे, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि SNCU वार्ड का स्टाफ मोबाइल पर बिजी था, बच्चे की देखभाल नहीं की जा रही थी। परिवार ने स्टाफ पर बच्चे को मार डालने का आरोप लगाया है। फतेहपुर के रहने वाले जुनेद अहमद ने 14 अगस्त को अपनी पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था। शाम को उसने एक बेटे को जन्म दिया था। परिवार वाले काफ़ी खुश थे, वे निश्चिंत थे कि डिस्चार्ज कराकर उसे घर ले जाएंगे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ ना होने की बात कही और उसे SNCU वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अस्पताल SNCU वार्ड में नवजात की मौत की सूचना जैसे ही लोगों को मिली तो वहाँ पर हड़कंप मच गया, हर कोई सहर गया। पिता जुनीत ने बताया कि उन्होंने बच्चे की हालत दिखाते हुए डॉक्टर से सवाल पूछा तो डॉक्टर ने कहा, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। इतना कहकर वह वहां से चले गए। इसके बाद वह अस्पताल में दिखाई नहीं दिए। वह उन्हें पहचान सकता है पर नाम नहीं जानता। शनिवार रात डॉक्टर्स ने परिजनों को बताया था कि नवजात दूध नहीं पी पा रहा है, उसे SNCU वार्ड में भर्ती करना पड़ेगा। जुनेद के बड़े भाई जावेद ने बताया कि सुबह जब वह शिशु वार्ड में गए तो स्टाफ मोबाइल में लगा हुआ था, कोई बात नहीं सुन रहा था। बच्चे को दूर से देखा तो वह कुछ समझ नहीं पाए थे। परिजनों ने अस्पताल के CMS व सदर कोतवाली पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने परिजनों से जानकारी ली है। आपको बता दें, वहीं CMS डॉक्टर दीपक सेठ का कहना है कि जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में बच्चे की मौत की जाँच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से लापरवाही एक मासूम की मौत की वजह बन गई। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।